नमस्कार शाबाद उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल पनादोली दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन शख्सियतों को तो आमंत्रित करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड का मान पढ़ाया है जो लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो युवा हैं यहाँ के जो लोग हैं उनको लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं अपने विशेष कार्यों के माध्यम से तो इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हैं ललित मोहन जोशी जी जो एक वरिष्ठ समाजसेवी है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद तो दर्शकों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बातचीत करेंगे हमारे साथ जो एक वरिष्ठ समाज सेवी ललित मोहन जोशी जी मौजूद हैं इन्होंने नशे के क्षेत्र में नशे उन्मूलन में कि जो युवा वर्ग है वो इस तरफ ना जाए उस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य किया है और लगातार इस शिक्षा के क्षेत्र पे भी कार्य कर रहे हैं तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से करते हैं जोशी जी कार्यक्रम की शुरुआत करें इसलिए सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो शख्सियत आज हमारे सामने बैठी है कहाँ से है शैक्षणिक स्तर कैसा रहा है और आपका परिवेश कैसा रहा पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मैम कि दूरदर्शन और आपकी संपूर्ण टीम का आपने यहाँ पर आमंत्रित किया आ, मेरी जो जन्मस्थली है वो बागेश्वर है बागेश्वर के एक गाँव में मेरा जन्म हुआ और मेरी जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन हुई वो वहीं से हुई उसके बाद आ, नाइन्थ में हम हल्द्वानी आ गए जब मैं लगभग दो हज़ार की बात है तो वहाँ से मेरी फिर उसके बाद की शिक्षा हुई एम बी इंटर कॉलेज मोतीलाल बाबूलाल इंटर कॉलेज से बारहवीं साइंस का मैं स्टूडेंट रहा और उसके बाद देहरादून से ग्रेजुएशन हुआ फिर एल किया यहीं से एल किया एम किया फिर एम किया तो पढ़ाई तो एक ऐसा है कि निरंतर अभी भी कुछ चलती रहती करते जी जी जोशी जी ये तो आपकी सेक्शली स्तर का आपका परिवेश हो गया है यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं लगभग अगर हम बात करते हैं पंद्रह से बीस साल का एक्सपीरियंस आपका जो रहा है नशा उन्मूलन के संबंधित एक युवा हैं आप जिस वक्त एक बच्चा ये सोचता है कि मैं अपना करियर क्या बनाऊँगा मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा उस वक्त आपने इस क्षेत्र में आप आगे आते हैं संकल्प लेते हैं कि मैं युवाओं को प्रेरित करूँगा कि वो इस और ना बने तो ऐसा कैसे सोचा आपने देखिए जब हम पहाड़ से हल्द्वानी आए थे तो पहली बार हम शहर में आए और मैं सच बताऊं तो ट्रेन भी हमने पहली बार देखी कि काठ गोदाम में हम गए स्पेशली ट्रेन देखने के लिए तो हर माँ बाप का एक सपना होता है विशेषकर जो हम पर्वतीय पर्वतीयचल के बच्चे हैं चाहे कुमाऊँ मंडल के हो गढ़वाल मंडल के हो तो बहुत सारे अभाव में बच्चे रहते हैं मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन जब हम लोग शहरों की ओर जाते हैं तो माँ बाप एक तरफ़ से तो खुश होते हैं कि बच्चा आगे पढ़े बढ़े एक दूसरी उनको चिंता ये रहती है कि कहीं गलत माहौल में बच्चा ना पड़ जाए गलत संगत में ना पड़ जाए बिल्कुल तो शहरी जहाँ जहाँ जो शहरी माहौल है वहाँ दिखावा अट्रैक्शन फैशन और एक जो संगत होती कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत तो मुझे याद है जब भी हम स्कूल जाते थे या खेलने जाते थे तो हमारी माँ जी केवल एक ही बात बोलती थी कि भाई अपना जो संगत है ना वो अच्छा रखना कुछ भी करो पढ़ाई कम ज़्यादा जो भी है बट कभी नशे की ओर मत जाना जी। और क्योंकि हमारे पिताजी अल्मोड़ा मैग्नेसाइड फैक्ट्री में जॉब करते थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तो पिताजी वहाँ भाई हम हल्द्वानी आ गए वो रात दिन अकेले रहते थे तो माँ जी हमेशा कहती थी कि भाई अपने पापा के बारे में सोचना अपने परिवार के परिवार बारे परिवार में के, सोचना क्योंकि अगर तुम गलत रास्ते में चले जाओगे तो हमारी तो तपस्या खरम बिल्कुल ही बेकार चली जाएगी जब भी कहीं ऐसा माहौल होता था मुझे अपने पिताजी की याद आती थी कि नहीं पापा रात की ड्यूटी करते हैं दिन की करते हैं माँ हमारे लिए मतलब हल्द्वानी जैसे शहर में अगर गाय लेके आई है तो इसका मतलब यह है कि भाई आर्थिकी रूप से मजबूत नहीं है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करना है तो वहाँ से ये संकल्प आया कि मैं जीवन में कभी व्यसन नहीं करूँगा और धीरे धीरे फिर जब मैं क्योंकि स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी सभी में जाता था एवरेज स्टूडेंट था लेकिन ऐसा कोई फील्ड नहीं था जहाँ मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था तो मुझे सौभाग्य से सेवेंटी एट बटालियन में एन ज्वाइन करने का मौका मिला तो मैं बहुत जल्दी वहाँ का सीनियर जो वहाँ पर एक पोस्ट होती है सीनियर अंडर ऑफिसर जूनियर अंडर ऑफिसर सार्जेंट एन में क्योंकि पहाड़ का बच्चा आर्मी के लिए बड़ा प्रेरित रहता है जी। तो जब आर्मी में जाना है तो आपको आपका फिजिकल मेडिकल आपका पूरा जो ऑलराउंडर आपको बनना पड़ता है तो मुझे लगा कि नहीं यार एन में अगर हम जाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा तो सुबह शाम परेड करते थे तो ये मन में एक बात थी कि जब हम दोस्तों को या दूसरे बच्चों को देखते थे कहीं पर सिगरेट पी रहे हैं कोई बच्चा कहीं अल्कोहल ले रहा है कोई क्लब में जा रहे हैं कोई बच्चा दूसरे जो ड्राइ ड्रग्स की ओर जा रहे हैं और मैंने कई उन माँ बापों को भी देखा जो मतलब टूट चुके थे वो अपने बच्चों के लिए लेबरी कर रहे हैं कोई मेहनत कर रहा है कोई प्राइवेट में कोई सरकारी में कोई फ़ौज में वो अपना सब सर्वोच्च बलिदान कर देता है अपने बच्चों के लिए अब वो बच्चा जब उसको अपने माँ बाप का सहारा बनना है जब वो जो अपने माँ बाप की ताकत बन सकता था वो बच्चा एकाएक एक एक ऐसे जाल में फंस जाता है ऐसे पेडलरों के बीच फंस जाता है कि उसकी दुनिया बदल जाती है उसको करना तो कुछ और था वो कर कुछ और जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो परिवार को होता है क्योंकि परिवार की ताकत माँ बाप की ताकत उसके बच्चे होते हैं तो मुझे लगा कि मैं बड़ों को समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ लेकिन मैं छोटे बच्चों को विशेषकर टीनेजर बच्चों को जो तेरह से अट्ठारह साल के छः से लेकर बारहवीं तक के बच्चे हैं उनके बीच में जाके इस बात को रखूंगा कि अगर हमें राष्ट्र का निर्माण करना है अगर हमें देश सेवा में जाना है हमें फौज में जाना है अगर हमें कहीं भी जाना है कुछ भी है, हमें बेहतर कार्य करना है तो हमें अपने आप को फिट, तो फिट, अपने फिट रखना होगा जी तो ये ये मन में भाव थे तो मैं धीरे धीरे एनसीसी जब कैंप में जाता था तो अलग अलग कॉलेजों के बच्चे आते थे अलग अलग स्पीच कंपटीशन होते थे अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक्टिविटीज़ के माध्यम से डिबेट करने का कार्य किया जाता था जागरूक कार्य करने का काम करते थे फिर मैंने देखा कि क्योंकि हम हल्द्वानी रहते थे तो हल्द्वानी के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर धीरे 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 टीन बच्चों में ये एक ट्रेंड आ गया था फ़ैशन बाल लाल करने हैं खड़े करने हैं देखिए आपका पहनावा आपका उठना बैठना और आपकी संगत सबसे पहले वो बड़ी महत्वपूर्ण होती थी तो बच्चे क्या करते थे बाल भर के वहाँ गए उन्होंने कहा चलो बाल लाल करो चलो तो जहाँ से बाल लाल होने लग गए पेंट नैरो होने लग गई फिर बच्चे थोड़ा टसन दिखाने के लिए सिगरेट पीने लग गए वो शुरू में जो टसन अट्रैक्शन था ना कुछ हटके हमें कुछ अलग सा बनना है तो मैं कहता था कि तुम भाई क्यों विचित्र ग्रह के विचित्र प्राणी बन रहे हो हमें भगवान ने इंसान बनाया है और जीवन बड़ा छोटा सा है विवेकानंद जी ने उतनी छोटी सी उम्र में पूरे दुनिया को आध्यात्मिक की ओर हिंदुस्तान को देखने की ओर मजबूर कर दिया था ए पी जे अब्दुल कलाम साहब जो न, मतलब हरिद्वार में हैं जिन जो जब आर्मी में नहीं निकले जिन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त करने की चेष्टा करी थी एक निर्णय ने उनको पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में दिखाया तो ऐसे लोग जो हमको प्रेरणा दे सकते हैं बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी किया यानी कि नशा सकारात्मक चीज़ों का भी होता है मेरा कहने का मतलब ये है कि नशा जहाँ एक और बुराई की ओर लेके जाता है नशा जुनून भी है अगर आर्मी में कोई जाना चाह रहा है वो भी जुनून है कोई संगीत में जाना चाह रहा है वो भी नशा है कि वो वही बात है कि हमें अगर हमें कर, नशा करना है तो उस बेहतर चीज़ का करें जो हमारे समाज को बनाए राष्ट्र को बनाए हमें स्वयं को बनाए नशा करना है तो ऐसा नशा करिए ललित जी यहाँ पर जैसे आपने बताया कि आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे थे सजग इंडिया कार्यक्रम की आप यहाँ पर शुरुआत करते हैं किस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ देखिए मैम मैं लगभग दो में देहरादून आया था अपनी हायर एजुकेशन के लिए तो उसके बाद मैं जब तैयारी कर रहा था तो फिर यहाँ मुझे एनसीसी क्योंकि हल्द्वानी 78 एट बटालियन से ए और बी सर्टिफिकेट किया तो यहाँ मुझे सी करना था वो आर्मी का एक होता है ना कि मुझे आर्मी में जाना है जी तो सी सर्टिफिकेट जब किया तब फिर बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी में चाहे स्पोर्ट्स हो, हो कल्चर हो मतलब जहाँ कोई नहीं वहाँ हम लोग चले जाते थे मैं बहुत ज़्यादा ऐसा मेधावी स्टूडेंट नहीं रहा लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें मैं नहीं गया मुझे साइंस के स्टूडेंट से मैं इधर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा बाद में जब उस दौरान वैकेंसी नहीं आई तो फिर एमबीए कर लिया उस समय क्रेज़ था एमबीए करने का फिर एमबीए करने के बाद दुबई मलेशिया सिंगापुर हांगकांग मकाऊ तमाम कंट्रीज़ में मैं आ, फ्यूचर ग्रुप के साथ एसोसिएट होकर मैंने जॉब भी किया फिर मुझे लगा नहीं पहाड़ से आके आ, मैं अगर सात समंदर पार जा सकता हूँ तो मैं दूर नहीं जाऊंगा मुझे अपने माँ बाप के पास रहना है क्योंकि माँ बाप ने पहाड़ के पार पार के है बाप साथ रहना है। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अपना समर्पण किया है जो करेंगे उनके जीते जी करेंगे उनके पास रह के करेंगे और फिर माँ बाप मेरे ही क्यों एक माँ बाप क्या चाहता है हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा निकले उसका बच्चा पढ़ने में कैसा भी हो लेकिन अच्छा नेक इंसान बने तो ये ये मन में, में मेरी बातें जब आई तो मैं धीरे धीरे 2006 2006-7-8 में रैंडम वॉलेंटरी इंटर कॉलेज में जाने लगा बच्चों के बीच में समझाने लगा 2008-10 में मेरा जब एम हुआ मैं लौट के आया तो मुझे लगा कि हमारे पहाड़ों से बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं और माँ बाप सब कुछ देखिए पहाड़ों में माँ बाप दूध दही घी बेच के मतलब संघर्ष करके बाद पैसा हैं। के भेजा और उत्तराखंड के शहरों में चकाचौ में बच्चा एक दूसरी दुनिया में जा रहा था 2010 में ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ने लगा मुझे लगा कि नहीं यार अगर मैं देश के आर्मी में देश सेवा के लिए नहीं जा पाया ये भी तो देश सेवा है मैं बच्चों को बचाऊंगा मैं अपने प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ करूँगा तब मेरे मन में आया कि क्या नाम दें तो मन में आया सजग उत्तराखंड मैंने कहा नहीं सजग उत्तराखंड से काम नहीं चलेगा हमें सजग इंडिया करना पड़ेगा सजग भारत करना पड़ेगा तब उसका नाम दिया सजग इंडिया और आ, मुझे लगा कि अगर मुझे अपने पहाड़ के बच्चों को आर्मी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए प्राइवेट जॉब के लिए प्रेरित करना है तो मुझे अपने बच्चों को स्कूल में स्कूल से बढ़िया कोई माध्यम नहीं होता है वहाँ पर आप सैकड़ों बच्चों को अपनी मन की बात बोल सकते हैं अच्छा एक सेल्फ मोटिवेटेड थे क्योंकि मेरी जब शुरुआत गांव से हुई थी तो मुझे आज भी याद है क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड इतना बहुत बैकग्राउंड नहीं था संस्कार बहुत अच्छे थे हमने कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा बट मुझे एक सपना था कि मैं भी बड़े होके कुछ अपने मम्मी पापा के लिए करूंगा मम्मी पापा को विदेश लेके जाऊंगा हम भी कुछ ऐसा करेंगे जो समाज तो के लिए काम आएगा जरूर होते आज तो मुझे आज भी याद है 2000 में मैम जब मैं 2001 में हाई स्कूल के पेपर दे रहा था तो सब बच्चे बाइकों में साइकिल में जाते थे हम मेरा मन भी था साइकिल खरीदने का मुझे कभी मम्मी लोगों से कहने में बड़ा वो लगता था कि भाई चार पाँच हज़ार की साइकिल दे दो गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो माँ पूर्णागिरी नवरात्रों के दिन है आजकल तो मैं हमारे चाचा जी रहते हैं टनकपुर में मैं छुट्टियों में वहाँ चले गया और जब मैं पूर्णागिरी दर्शन के लिए गया मेरे मन में विचार आया कि यहाँ तो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं हजारों लोग काम कर रहे हैं गर्मियों में बहुत बड़ा मेला लगता है जैसे बद्री केदार का लगता है वैसे ही पूर्णागिरी का लगता है तो मुझे लगा कि कुछ करता हूँ और कुछ काम करूँगा साइकिल लूँगा शुरू शुरू में लगा यार क्या काम करूँगा लोग क्या कहेंगे फिर मुझे लगा कि यार लोग क्या कहेंगे लोगों से क्या मतलब मुझे मैं अपने मम्मी पापा को प्रेशर न दे के मैं खुद की मेहनत से कुछ करूँगा तो फिर देखा वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम था प्रसाद बेचने का तो मैंने पाँच दिन पहले एक कोई सज्जन थे उनके साथ प्रसाद बेचा उनकी दुकान में काम किया ढाई सौ रुपये कमाए फिर मुझे लगा कि मैं एक दिन में पाँच सौ का प्रसाद बेच सकता हूँ हज़ार का बेच सकता हूँ मैं अपना स्व उद्यमी वाली भाव कि अपना उद्यम क्यों ना करूँ तो मैं टनकपुर की मार्केट से सबसे गया था चार पांच दिन में परमल दाना चुन्नी अगरबत्ती चुन। लाके शाम को प्रसाद बनाना और दूसरे दिन उसको ग्यारह रुपये इक्कीस रुपये काउन रुपये इस तरह से बेचना और क्योंकि मेरा टारगेट था साइकिल खरीदना है मुझे अपने पैसों से तो 28 दिन में लगभग 18000 का मैंने प्रसाद बेचा और पहली बार अपने जीवन की साइकिल खरीदी टनकपुर नेपाल बनबसा पास पड़ता है ब्रह्मदेव तो वहाँ गया कुछ चादरें लेके आया सनील की चादरें बड़ी नेपाल में चमकीली मिलती थी कुछ आठ दस हज़ार मम्मी को पैसे दिए कुछ मम्मी के लिए ले, साड़ी लेके आया मतलब एक होता ही है ना कि मेरी पहली कमाई है जी। तो वहाँ से मैंने ये सोचा कि जीवन में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है हम लोग थोड़ा सा क्या हो जाता है कि थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं बच्चे या एक हमारे संस्कारों में है ये काम छोटा है ये नहीं करना है जबकि एक सब्जी की ठेली लगाने वाला व्यक्ति पर डे हजार दो हजार तीन हजार बड़े ठेली वाले तो पांच हजार भी कमाते हैं लेकिन हमको ये लगता है ना काम हम वाइट कॉलर करेंगे एटीट्यूड हमारा पूरा अच्छा रहेगा लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। मैंने जीवन में वहीं से सोचा कि नहीं काम कोई छोटा बड़ा नहीं है आप कि काम में ईमानदारी होना चाहिए आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कोई शराब नहीं बेच रहे हैं नशा नहीं बेच रहे हैं किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं आप कुछ ऐसा करो जो समाज को प्रेरित करेगा तो वो जो एक ताकत थी कि कुछ करना है तो वो देहरादून तक ले आई देहरादून में बहुत संघर्ष किया मीडिया में काम किया टाइपिस्ट का काम किया घूसी गली से पाँच रुपये पन्ने में जब ट्यूशन नहीं होते थे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया हिंदी मीडियम के थे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती थी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाना था पहले रात को पढ़ते थे ट्रांसलेशन समझते थे उसके बाद पढ़ाया त्यागी रोड में रहता था शुरू में चंदन नगर में तो वहाँ पर धीरे 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 ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया वहीं से कॉलेज जाना शुरू किया साथ में कंप्यूटर की पढ़ाई करी अपने मतलब इस तरह की मतलब बहुत ही संघर्षपूर्ण आपका कह सकते व्यक्तित्व भी रहा है और आपका जी, जीवन भी रहा है यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे सजग इंडिया जो अपने एक मुहिम चलाई थी ये जब मुहिम आपने चलाई उसके बाद कारवा आगे किस तरीके से बढ़ा कैसे लोग जुड़ते चले गए दो हजार दस ग्यारह में जब मैं लौट के आया क्योंकि मेरा एम करने के बाद मैं जब बाहर गया तो मुझे जब मैं देहरादून आया तो मुझे लगा कि बच्चा जो है एक गलत ट्रैक में जा रहा है माँ बाप पैसा भेज रहे हैं लेकिन बच्चा तो भाई माँ बाप की ताकत होता है तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए तो मैंने एक सस्ता बनाई सपनों का युवा ड्रीम युवा वेलफेयर सोसाइटी करके कि एक सपनों का युवा कैसा होना चाहिए शुरू शुरू में कैसे मैं जाऊँगा बच्चों के पास मुझे परमिशन कौन देगा क्योंकि मैं खुद ही बीस इक्कीस बाईस साल का तो मैंने शुरू शुरू में क्या किया स्कूलों में टीचरों को समझाना शुरू किया मैं जाता था मैं कहता था सर मुझे थोड़ी क्योंकि मैंने एम किया था तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ uh, मेरे पास एक बाइक थी सेकेंड हैंड मैंने वो सेकेंड हैंड तो नहीं थी मैंने लॉन में ली थी पहली बाइक डिस्कवर डिस्कवर तो मैं स्कूलों में जब टीचरों से मिला उन्होंने कहा आप बच्चों से मिलो फिर धीरे 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 कुछ निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़ा क्योंकि कोई ना कोई नाम तो चाहिए था ना कि मैं यहाँ का व्यक्ति हूँ मैं इस कॉलेज से आया हूँ मैं इसका प्रतिनिधि हूँ तो मैं बच्चों के बीच में जाने लगा और धीरे 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 जब बच्चों के बीच में गया तो हमने एक सब्जेक्ट लिया एक टॉपिक लिया जैसे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका युवाओं की दशा और दिशा आतंक का हथियार नशा कि कैसे नशा जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि उत्तराखंड का हर परिवार का एक व्यक्ति फौज में है हम पूरे देश का एक प्रतिशत है लेकिन हमारे देश की सेना में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे होगा जी बिल्कुल कुमाऊ रेजिमेंट के नाम से गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से तो मुझे लगा नहीं मुझे अपने पहाड़ के बच्चों को जो मैं आर्मी में नहीं जा पाया तो मैं बच्चों को बताऊंगा मेरे अंदर क्या कमी थी मैं मेडिकल में अनफिट रहा तो मुझे कैसे शुरू से अपने बच्चों को मेडिकल के लिए फिटनेस बनाना है और एक और नशा पूरा पैर फसार रहा था अचानक हमने 99 के कारगिल वॉर को देखा हमने उन्नीस की वॉर के बारे में सुना बासठ की क्योंकि हम तो पैदा इस बात की थी लेकिन हम देखते थे कि यार हमारे एक खुद चाचा जी परिवार में ही जब शहीद हुए थे उनकी बॉडी आई थी तो आतंकवादियों ने मतलब आक्रमण किया था घात लगा के तो वो मन में एक रहता था कि नहीं हम राष्ट्र की सेवा कैसे करेंगे फिर थोड़ा सा गूगल में देखना शुरू किया कि आतंकवाद को फंडिंग जो है नशे से सबसे ज़्यादा होती है आई जो है या अन्य जो आतंकवादी संगठन है जो हमारे भारत को नस्त करना चाहते हैं इनको सबसे ज़्यादा अफीम कोकीन, जो भी नशे, स्मैक के माध्यम से अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान नाइजीरिया बर्मा ये जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहां से सबसे ज्यादा नशे की जो खपत आ रही है वो हिंदुस्तान के अंदर आ रही है उनका टारगेट हिंदुस्तान का यूथ है उनको पता है कि भारत की सेना को हम पराजित नहीं कर सकते लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर पराजित कर दिया तो ना सेना रहेगी ना देश रहेगा ना जवान रहेगा दूसरा उनको एक फ़ायदा क्या हो रहा था कि उनको फंडिंग मिल रही थी आप अगर आज भी देखेंगे तो आ, सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को फंडिंग ही नशे से हो रही है अब बच्ची को ये नहीं पता है कि वो जो मजाक में एक सिगरेट की कस से लेके स्मैक तक जा रहा है वो किस तरह से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है कैसे उसकी एक गलती की वजह से एक परिवार बर्बाद होता है उसका खुद का परिवार बर्बाद होता है एक जवान शहीद हो जाता है एक छोटी सी बच्ची तीन साल की वो अनाथ हो जाती है एक कम उम्र में एक बहन के मांग का सिंदूर मिट जाता है एक बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है तो अगर हम देश की सेवा नहीं कर सकते हैं अगर एक फ़ौजी ही नहीं अगर हम फौजी बन के नहीं जा पाए आर्मी ऑफिसर बन के नहीं जा पाए तो कम से कम एक नेक इंसान तो बने हम अपने परिवार को बचा लें समाज अपने आप बच जाएगा इस मुहिम को लेके मैंने हरिद्वार से कार्यक्रम शुरू किया माँ गंगा के उससे और उसके बाद मैं उत्तरकाशी गया मैं हरसिल हाँ, गया किन किन क्षेत्रों में आपने यहाँ पे कार्य किया है नशे की हम बात करते हैं जी इस कार्यक्रम को लेके हम किन किन क्षेत्रों में गए हैं मैं जब सजग इंडिया युवा संवाद हमने कार्यक्रम नाम दिया है इसको युवाओं की दशा और दिशा आतंक हथियार नशा सजग इंडिया की ये मुहिम सबसे पहले हमने जब यहाँ देहरादून से जनपद से शुरू की तो क्योंकि ये एक रूट पकड़ा हमने आ, आ, मसूरी होते हुए मसूरी हम गए कैम्टी के गर खेत के म्याणी डामटा पुरोला वनीगाड़ ब्रह्मकाल डुंडा होते हुए उत्तरकाशी काशी मनोड़ी गंगोड़ी हरसिल तक फिर माँ गंगा के दर्शन किए वहाँ से हम चिनियलीसौ कंडीसौण मीन खान छाम होते हुए चंबा पहुँचे फिर प्रताप नगर घनसाली बूढ़ा केदार और इधर से होते हुए श्रीनगर श्रीनगर से हम चले गए रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग ऊखी मठ केदार घाटी पूरा हमने किया फिर हम बद्र विशाल की ओर चले गए तो जोशी मठ वाला कर्ण प्रयाग वाला पांडुकेश्वर लास्ट इंटर कॉलेज है उसके बाद हम इधर ग्वालदम थराली इधर मीरा ग्रह क्षेत्र आ जाता है बागेश्वर तो गरुड़ घाटी बागेश्वर करते हुए फिर हमारा जो ट्रैक था वो कपकोट भराड़ी होते हुए उधर थल नाचनी डोर मुनशारी तेजम उसके बाद बलुआकोट जौल जीवी लास्ट धारचूला नारायण आश्रम चाइना बॉर्डर तक फिर वहाँ से हम इधर कनाली चीना होते हुए पिथौरागढ़ शहर आए डी हाट करते हुए चंपावत जनपद गए वहाँ पर लोहाघाट अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस आश्रम की बात कर रहे थे वहाँ का क्षेत्र हो गया देवीधुरा हो गया लोहाघाट उधर से फिर हम टनकपुर होते हुए उधम सिंह नगर आ गए इधर अल्मोड़ा वाला जो शहर फाटक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है द्वाराहाट वाला क्षेत्र है चखुटिया मासी कौशानी वाला है इधर शल्ट भिक्सन वाला क्षेत्र है रामनगर नैनीताल वाला तो उधर से फिर ये पौड़ी को टच कर लेता है दुगड्डा खाल अदाली खाल किंगोड़ी खाल धूमा कोट नैनी दांडा, ये कोटद्वार द्वार वाला क्षेत्र तो करते करते वहाँ से लेके यमकेश्वर तक और इधर तराई का पूरा रामनगर जो काशीपुर सिंह नगर लगभग तेरह जनपदों में मुझे ब्लॉक लेवल में जाने का सौभाग्य मिला और अभी तक मैं लगभग साढ़े सात लाख बच्चों से इन पंद्रह सालों में मिला हूँ सजग इंडिया के माध्यम से हमारे बहुत सारे जो यूथ हैं 2017 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये कार्यक्रम मैं स्कूलों में करता हूँ लोगों को पता ही नहीं है कुछ ऐसा करें कि यूथ भी देखें क्योंकि धीरे धीरे सोशल मीडिया का ट्रेंड होने लगा था तो सजग इंडिया यूट्यूब चैनल हमने दो में बनाए और आज उसमें लगभग लगभग सेवेंटी मिलियन से अधिक लोग उन कार्यक्रमों को देख चुके हैं लगभग दो लाख पैंतीस हजार उसके मेंबर थे कोरोना में कार्यक्रम थोड़ा सा बंद हो गया तो उसमें हमें भी नहीं पता था कि कुछ ना कुछ कंटेंट डालना चाहिए तो तीन साल लॉकडाउन और इसमें थोड़ा कम हुआ दो साल लेकिन उसके बावजूद भी अगर पूरे भारतवर्ष से आठ करोड़ लोगों ने देखा कई बार मैं देखता था उसके एनालिटिकल में नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के लोग भी देखते थे तो क्योंकि वो कार्यक्रम ही यूथ के लिए था हम चाहते थे कि माँ बाप की अगर दीर्घायु चाहिए तो बच्चे को अच्छा बनना चाहिए बिल्कुल उपलब्धि बहुत रही है आपकी क्योंकि आपने इस क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया है और बहुत सारे लोग जिस लाखों की संख्या में यहाँ पर आपका युवा जुड़े भी हैं और लगातार हम कह सकते हैं मुहिम के साथ आपके साथ आगे भी बढ़े हैं सर ललित जी यहाँ पर आपने जहाँ नशे की हम बात कर रहे हैं कि युवा वर्ग जो है नशे से दूर रहे इसके लिए आपने बहुत बेहतर कार्य किया है यहीं आप सुपर थ्री हंड्रेड नामक कार्यक्रम भी चलाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत बेहतर कार्य किया है उसके लिए आपको कई यहाँ पर जो है सम्मान से नवाजा भी गया है उसके संबंध में कुछ हमें देखिए जब मैं स्कूलों में गया तो मैं देखता था पहाड़ों में बच्चे चटाई में बैठे हैं मिट्टी में बैठे हैं कई बार तो हम भी मतलब स्पीकर लेके तो जाते नहीं थे शुरू शुरू में बाद में मैं खुद ही स्पीकर लेके गया कुछ सर्टिफिकेट बना के लेके गया बच्चों को वॉल्टियर जो बच्चे थे तो मुझे लगा कि बच्चा कई बच्चों के मुझे फ़ोन आते थे कि भैया हम नशा नहीं करते हैं घर की अच्छी कंडीशन नहीं है जॉब कैसे लगेगी जी तो अब जॉब के लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए एजुकेशन तो मैं जब फॉरेन में गया बाहर कंट्रीज में गया दुबई मलेशिया सिंगापुर में तो मुझे लगा कि सेना और हॉस्पिटलिटी अगर सेना में नहीं गए तो हमारे बच्चे फॉरेन में बहुत थे यानी कि होटल लाइन क्रूज लाइन शिफ लाइन हॉस्पिटलिटी टूरिज्म लाइन एक ऐसी थी जहाँ पर बच्चे को रोटी कपड़ा मकान मिलता है अगर खा पी के रह के किसी को दस हज़ार भी मिल रहे हैं तो वो अपने घर में अगर भेजेगा उसके अंदर व्यसन नहीं है तो आराम से अपने परिवार को चला सकता है तो मैंने कई बड़े बड़े होटल्स में ताज हयात ओबरॉय के जी उनसे बात की उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए अगर आपके बच्चे ड्रग्स नहीं लेते हैं नशा नहीं करते हैं अनुशासित हैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं तो उनको थोड़ा स्किल्स कीजिए थोड़ा सा छः महीने साल भर थोड़ा बहुत उनको हॉस्पिटलिटी के बारे में बताइए तो 2012 में मुझे लगा कि नहीं मुझे एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पर बच्चों को स्किल्ड भी करना चाहिए तो धीरे 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 वहां से ये कारोबार एजुकेशन देने का हुआ क्योंकि मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंटेशन बच्चा अच्छा है रोजगार नहीं है तो भी वो डिप्रेशन में जाएगा अगर संस्कार नहीं है अच्छी शिक्षा नहीं है तो भी वो डिप्रेशन में जाएगा मोटिवेशन मिल गया एजुकेशन मिल गया एम्प्लॉयमेंटेशन नहीं मिला तो भी बच्चा अपने मार्ग से भटकेगा तो मुझे लगा कि मोटिवेशन के साथ साथ मैं बच्चों को एजुकेशन देने का काम करूंगा एजुकेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा इंप्लायमेंटेशन देने का तो मैंने शुरुआत में हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म होटल मैनेजमेंट के माध्यम से बच्चों को ट्रेन करने का काम किया कई गरीब बच्चे थे अनाथ बच्चे थे कई बच्चे तो केवल खाने का पैसा लेके आते थे जब कोरोना आया बीच में तो उस समय कई बच्चे अनाथ हुए कई के पिताजी चले गए किसी किसकी माँ गई कहीं कुछ कहीं कुछ मुझे लगा कि यार देखो ईश्वर ने हमको यहाँ पहुँचाया मैं एक शिक्षण संस्थान चला रहा हूँ पैसे तो सब कमा रहे हैं माँ ने इतना दिया है जितनी औकात नहीं थी लेकिन हम अपने उत्तराखंड के लिए क्या कर रहे हैं अपने पहाड़ के लिए क्या कर रहे हैं तो तब मुझे लगा कि नहीं मेरे वहाँ जो कोर्स है मैं दस दस सीटें उन बच्चों के लिए रखूँगा तो पहली बार पढ़ा था तो मैं दो से ही बच्चों को कोचिंग करता था जब अपना कॉलेज नहीं था तो ट्यूशन पढ़ाता था इंग्लिश बच्चों को मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश बहुत सारे मद्रासी कॉलोनी से मैंने बहुत बच्चों को रिहेबलेट किया त्यागी रोड में क्योंकि मद्रासी कॉलोनी में भी नशे का अड्डा था वहाँ पर मैंने बहुत सारे बूट पॉलिश वाले बच्चे घोड़े वाले बच्चे इनको बुला बुला के कि बेटा ये करो ऐसे पढ़ो जो मतलब जिनने पढ़ाई छोड़ दी थी उनको स्कूल इंटर कराया ये दो की बात है तो वो सब बच्चे आज मेरे स्टूडेंट हैं क्योंकि मेरी कर्मस्थली यहीं रही लास्ट अट्ठारह साल से तो कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं बिल्कुल तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी है जो पद भ्रमित हो जाती है या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को व्यसन मुक्त रखिएगा नशा मुक्त रखें अपना फिजिकल फिटनेस रखें अपने माँ बाप के बारे में सोचिए और जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे तीन बच्चों को सुपर थ्री की हमने बात की थी जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे लोक कलाकारों के बच्चे जो हमारे सेना में शहीद परिवारों के बच्चे जिन्होंने आपदा के में अपने परिवार को खोया है जिन्होंने कोरोना में अपने माता पिता को खोया है हमारे गांव के पुजारी से ले लोहार से ले जागर लगाने से ले जिन्होंने हमारी संस्कृति सभ्यता को जीवित रखा है अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो 300 बच्चों को प्रतिवर्ष हम उनकी ट्यूशन फीस माफ़ करते हैं आप अपना मनोबल रखिए अच्छी संगत रखिए जो आपको आता है चाहे कला के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाइए अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की दीर्घायु की कामना कीजिए क्योंकि अगर परिवार सही है तो राष्ट्र अपने आप अच्छा बन जाएगा ये तभी सब सक्षम है तभी संभव है जब आप व्यसन मुक्त रहेंगे आपका फिजिकल मेडिकल आपकी सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी तभी आपके अंदर दया करुणा के भाव रहेंगे और हम अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे दादाजी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवाओं को और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए और शिक्षा और नशा उन्मूलन के क्षेत्र में इतना बेहतर कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये हमारे साथ एक उत्तराखंड के युवा थे जिन्होंने 20 साल की उम्र से लगभग 15 साल का इनका करियर रहा है जहां इन्होंने नशा उन्मूलन के क्षेत्र पे कार्य किया है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं इनका यही कहना है कि अगर आपको राष्ट्र का निर्माण करना है आपको एक बेहतर युवा बनना है बेहतर समाज का निर्माण करना है तो आपको नशे से दूर रहना होगा और शिक्षा के जो बल है उसको लगातार आगे बढ़ाते रहना होगा नमस्कार